हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पल्लवी शर्मा, कॉमर्स फैकल्टी, इंटरमीडिएट मारवाड़ी वुमेन्स सेक्शन, इकोनॉमिक्स लेक्चरर. सो स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस क्लासेस आई डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द सेम इंट्रोडक्टरी चैप्टर and we will conclude it with a lot of knowledge about what the subject tells us about. In my last video, I discussed about the last topic, that was growth oriented definition or vikas sambandhi paribhasha. So it is clear that economics is basically related to scarcity एंड चॉइस. मतलब अर्थशास्त्र जो है वह दुर्लभता और चयन का शास्त्र है. अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन होते तो हमारे सामने यह प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या चयन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, चूँकि हमारे पास यह रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंस में नहीं हैं. दैट इज़ व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ एट इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो फ्रॉम द आउटपुट ऑफ सो मैनी डिस्कशंस एंड डेफिनेशंस एंड क्रिटिसिजम्स, what we gather is that wants are unlimited, the resources are scarce, and there are alternative uses of those resources. यहाँ हम देखेंगे कि हम दो words जो हैं हमारे, दुर्लभता और चयन, जिसके ऊपर हमारा यह अर्थशास्त्र निर्धारित है, उसकी क्या व्याख्या है. दुर्लभता और चयन आपस में अलग नहीं हो सकते. दैट इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल. आई जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. इफ यू हैव ₹10 एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड यू आर हंग्री, सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई yourself, you have got so many different alternatives. Either you can buy a bread or bun or fruits or toffees, chocolates, whatever you can buy in ₹10. But there is a limit that you have only ₹10. So keeping in the mind that you have this reason of choice, because आप जितनी भी वस्तुएँ हैं आप नहीं खरीद सकते, यहाँ आपको चयन करना पड़ता है. So this is the reason that scarcity and choice are inseparable. At all the levels we see that either एट कंज्यूमर्स लेवल, उपभोक्ता के स्तर पर भी अगर हम देखें तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता के उपयोग से है. उपयोग क्या है? कंजम्पशन, जो हम और आप वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं, कपड़ा पहनना, रोटी खाना, डॉक्टर की सेवाएं, यह सभी उपभोग में आती हैं. दैट इज़ कंजम्पशन. यहाँ पर भी हमें स्कैर्सिटी और चॉइस को हम अलग पृथक नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली व्हेन वी सी एट प्रोड्यूसर्स लेवल, उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि करने से है.
उत्पादन के चार मुख्य साधन हैं। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ नोट इट दैट देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ भूमि, लैंड, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज उद्यम। सो एट प्रोड्यूसर्स लेवल ऑल्सो स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। हम दुर्लभता और चयन को अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली एट द नेशनल लेवल ऑल्सो वी वॉन्ट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर। एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो वी वॉन्ट द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। एंड हेयर ऑल्सो स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। इन शॉर्ट, ड्यू टू स्कैर्सिटी चॉइस अराइजेज। ड्यू टू स्कैर्सिटी चॉइस अराइजेज। दुर्लभता के कारण ही चयन होता है। Therefore, the process of decision making is that consumers maximum satisfaction, producers get maximum profit, a nation gets maximum social welfare. Next, so this is the subject matter of economics. Those activities which is related with production, consumption, investment, etc. is the basic subject matter of economics. So, in the next topic, in modern times, economics has mainly been divided into two categories, that is microeconomics and macroeconomics. This term came in 1933 by Professor Ragnar Frisch and it became popular till now. So, in the next video, we'll see the difference between microeconomics and macroeconomics. In Hindi, it is known as Vyashti Arthashastra and Sampashti Arthashastra. So, we are going to discuss this topic further in our next video. Thank you.